करण जौहर ने मधुर भंडारकर से मांगी माफी। करण जौहर ने एक लॉन्ग लेटर लिखकर मधुर भंडारकर से किया अपोलोजाइज। करण जौहर ने इस लेटर को अब सोशल मीडिया पर भी किया है शेयर। और अब अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मधुर भंडारकर ने करण जौहर की माफी को एक्सेप्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में मधुर भंडारकर ने अपने कुछ ट्वीट्स में करण जौहर और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता पर सीरियस एलिगेशन लगाए थे। मधुर भंडारकर का कहना है कि उनके टाइटल बॉलीवुड वाइफ्स को ट्वीक करके करण जौहर अपने वेब शो के लिए यूज कर रहे हैं। मधुर भंडारकर ने ये भी रिवील किया था कि करण जौहर ने उनसे परमिशन मांगी थी टू यूज दिस टाइटल, लेकिन करण जौहर की इस रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो खुद बॉलीवुड वाइव्स नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मधुर भंडारकर ने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में करण जौहर के खिलाफ कंप्लेन भी की थी। लेकिन अब करण जौहर ने सोशल मीडिया पर मधुर भंडारकर से माफी मांगते हुए कहा है, आवर रिलेशनशिप गोज बैक अ लॉन्ग वे एंड वी हैव बोथ बीन अ पार्ट ऑफ दिस क्लोज निट इंडस्ट्री फॉर मेनी मेनी इयर्स। थ्रू ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन एन आर्डेंट एडमायरर ऑफ योर वर्क एंड आई हैव ऑलवेज विश्ड द बेस्ट फॉर यू। आगे करण जौहर ने लिखा है, आई नो यू हैव बीन अपसेट विद अस। I humbly apologize for any grievance that has been caused to you during the course of the last few weeks. However, I would want to clarify that we have chosen this new and different title, The Fabulous Lives of Bollywood Wives, keeping in mind the non-fiction format of our reality-based franchise series. As our title was distinct, I did not foresee it upsetting you as it has, and for that, I truly apologize. आगे करण जौहर ने ये भी कहा है कि उनकी वेब सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स है काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट। ऐसे में मधुर भंडारकर के प्रोजेक्ट को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अब करण जौहर की अपोलॉजी पर मधुर भंडारकर ने रिएक्ट करते हुए कहा है, आई डिडंट हेजिटेट अ मोमेंट इन द पास्ट बिफोर ग्रांटिंग यू द टाइटल गुटका इन 2013 दैट यू हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम मी। And hence, I would have expected the same courtesy in return when I declined you the use of a title I had duly registered and which I did not intend to part with. The fact that you went ahead and used the title anyway despite our conversation and despite it also having been rejected by the trade associations is what had upset me deeply. मधुर भंडारकर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के बाद आगे कहा, He accepts Karan Johar's apology. This is not how I believe real relationships work. But let's move forward. I accept your apology and would like to leave things here. I do wish you well in your future endeavors. Well, Madhur Bhandarkar ke is bayan se saaf hai ki wo Karan Johar se upset zarur the, lekin ab unhone move on karne ka decision liya hai.